हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएलसी के डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। सेम इसी तरह का प्रोग्राम मैंने पीएलसी के इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में बता दिया है, लेकिन आज हम 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड का दो टाइमर यूज़ करेंगे और Y0 और Y1 आउटपुट का टाइमिंग चेंज करेंगे बाय यूजिंग टू टाइमर और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? यहाँ पर पहली कंडीशन देखिए, जब X0 को प्रेस करें तो Y0 और Y1 ऑन होने चाहिए 1 सेकंड बाद। एक मिनट, Y0 और Y1 ऑन होने चाहिए 8 सेकंड डिले के बाद। लेकिन यदि हम X1 को प्रेस कर दें 10 बार, फिर X0 को प्रेस करें, तो Y0 और Y1 8 सेकंड से पहले ऑन हो जाने चाहिए, लेस देन 8 सेकंड। ठीक है? और हमें यहाँ पे दो टाइमर यूज़ करने हैं। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट है X0 और दो आउटपुट है Y0 Y1, और एक इनपुट है X1 जो कि डिक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, और दो टाइमर हैं 100 मिलीसेकंड और 10 मिलीसेकंड का, और डिफ़ॉल्ट टाइम है 8 सेकंड का। इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और याद करनी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट टाइम हम सेट करेंगे LD1002 के थ्रू, M1002। ठीक है? इससे हम एक डिफ़ॉल्ट टाइम डालेंगे 8 सेकंड का। लिखना है मूव 80D0, डाटा रजिस्टर D0 के अंदर 80 मूव करेंगे। उसके बाद मूव 800D1, डाटा रजिस्टर D1 के अंदर हम 800 मूव करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 मिलीसेकंड का टाइमर है और 10 मिलीसेकंड के अकॉर्डिंग हमें 100 मूव कराना पड़ेगा, तभी वो डिफ़ॉल्ट टाइम उसका 8 सेकंड रहेगा। ठीक है? अब दोनों का डिफ़ॉल्ट टाइम 8 सेकंड होने के बाद हम एक नेटवर्क ऐड करेंगे। फिर हम एक इनपुट लेंगे LDX0। जब X0 को प्रेस करें तब दो टाइमर ऑन होने चाहिए, TMR T0 D0। T0 जो टाइमर है, इसका हमने 80 डाला हुआ, तो 80 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर T0 टाइमर यूज़ करना पड़ेगा और इसमें D0 की वैल्यू को मूव कराना पड़ेगा। फिर लिखना है TMR T200 D1। T200 जो है ये हमारा 10 मिलीसेकंड का टाइमर है, यहाँ पर हम T200 यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद एक नेटवर्क ऐड करेंगे, लिखने हैं LDT0। जब हम टाइमर T0 को ऑन करें तो इससे आउट Y0, एक आउटपुट Y0 ऑन होना चाहिए। और फिर दूसरा नेटवर्क ऐड करके लिखना है LDT200। जब हम टाइमर 200 को ऑन करें तब आउट Y1, एक दूसरा आउटपुट ऑन होना चाहिए Y1। अब यहाँ पर देखिए, डिक्रीमेंट हम करने वाले हैं X1 के थ्रू, तो X1 का एक नेटवर्क ऐड करना है। लिखना है LDX1। जब हम X1 को प्रेस करें तब इन दोनों टाइमर में डिक्रीमेंट एक साथ होना चाहिए, तो लिखना है DEC D0 और DEC D1, DEC स्पेस D1। अब दोनों में डिक्रीमेंट होने वाला है। अब एक बार इस प्रोग्राम को चेक करके ऑनलाइन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही बना है या नहीं। सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट, कंपाइल करके हमें चेक करना है इसमें प्रोग्राम में कोई एरर मैसेज तो नहीं है। ठीक है ना? कोई एरर मैसेज नहीं है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। उसके बाद हम इसको डाउनलोड टू पीएलसी करते हैं। ट्रांसफर, जैसे ही पीएलसी रन मोड में आता है, M1002 एक पल्स देकर मूव D0 में 80 करता है, मूव करता है 800 D1 में। ठीक है ना? जब D1 और D0 में 80 और 800 मूव होता है, तो यहाँ पर T0 में 80 मूव हो जाता है, और जो हमारा टाइमर T200 है इसमें 800 मूव हो जाता है। ठीक है ना? तो ये दोनों का टाइमर, दोनों का टाइमिंग अभी सेम है, मतलब 8 सेकंड का। इसको एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। जब X0 को ऑन करता हूँ, सॉरी इस फंक्शन को एक बार ऑन करना है। जब X0 को ऑन करता हूँ तब ये दोनों एक साथ, आउटपुट दोनों एक साथ ऑन होने चाहिए 8 सेकंड के बाद। 7 8, ठीक है, दोनों आउटपुट एक साथ ऑन हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं X1 को प्रेस करता हूँ 10 बार, मतलब डिक्रीमेंट कराता हूँ। अब देखिए, दोनों में जो है डिक्रीमेंट हम सेम करा रहे हैं, दोनों में 10 डिक्रीमेंट करा रहे हैं।
यहाँ पर हमें एक राइजिंग एज यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि ये डिक्रीमेंट कितना हो रहा है हमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एक बार ऑफलाइन करके, जब हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करने के बाद जब हम एक्स जीरो को प्रेस करते हैं, तो जब तक उसको प्रेस करते हैं जितनी सेकंड के लिए, उतनी सेकंड तक वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता रहता है। इसलिए हमें वहाँ पर एक राइजिंग एज यूज़ करना होती है। राइजिंग एज के थ्रू एक पल्स मिलती है और सिर्फ एक ही वो काउंट करता है। ठीक है, तो हमें जब ऐसा ऑपरेशन कराना है कि हमें पुश बटन को प्रेस करके रखना है तो वैल्यू घटती जाए, वैल्यू कम होती जाए, तो वहाँ पर हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का यूज़ कर लेंगे, ताकि जब हम उसको प्रेस करने के बाद रिलीज़ करें तो वो वैल्यू कम होनी बंद हो जाए। ठीक है ना, फिर यदि हम एक बार फिर प्रेस करके रख रहे हो तो फिर वैल्यू कम हो जाती है। उस तरह से प्रोग्राम के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन यदि हमें सिर्फ एक पॉइंट को कम या ज़्यादा करना है तो वहाँ पर हमें राइजिंग एज यूज़ करना होगी। तो चलिए चलते हैं, प्रोग्राम ऑनलाइन हो चुका है। एक बार इसे मैं एक्स जीरो को ऑन करने के बाद 8 सेकंड के बाद ऑन हो जाता है, फिर यदि एक्स वन को प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर 80 के बाद 81 होना चाहिए, सॉरी 79 होना चाहिए। 79 इसलिए होगा क्योंकि हमने डिक्रीज़ किया है, और एक बार जब हम इसमें डिक्रीज़ करते हैं तो इसमें 79 मतलब ये 100 मिली सेकंड का टाइमर है, ये भी एक पल्स ही कम करता है। ठीक है ना, दोनों में एक वैल्यू माइनस होती है। अब देखिए इसे एक बार मैं 10 बार प्रेस कर देता हूँ, 76। हमें देखना ये है कि जो ये डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है ये किस तरह से डिक्रीमेंट करता है। एक बार यदि हम डिक्रीमेंट को इनपुट देते हैं तो ये कितने सेकंड टाइम को डिक्रीमेंट करता है। ठीक है ना, तो आज हम दो अलग अलग टाइप के टाइमर यूज़ कर रहे हैं और दोनों टाइमर का टाइम एक साथ डिक्रीमेंट करके देख रहे हैं कि कितना टाइम डिक्रीमेंट होता है, मतलब 10 मिली सेकंड में कितना होता है और 100 मिली सेकंड में कितना टाइम डिक्रीमेंट होता है। इसी टाइप से सेम प्रोग्राम हमने इंक्रीमेंट का भी देखा था, उसमें 10 सेकंड के साथ इसमें देखिए 10 मिली सेकंड ही हो पाया था। अब यहाँ पर एक बार फिर मैं एक्स जीरो को प्रेस करता हूँ तो इसमें 70 है, मतलब 7 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा D0। ठीक है, उसके बाद ये 790 के बाद ऑन होगा। देखिए ये पहले ऑन हुआ है फिर ये बाद में ऑन हुआ है, क्योंकि जो हमने डिक्रीमेंट कराया है वो 100 मिली सेकंड और 10 मिली सेकंड के डिफरेंट अलग अलग टाइमर में कराया है। इक्वल टू हो जाता है 1000 मिली सेकंड, और 1000 मिली सेकंड इक्वल टू होता है 1 सेकंड। तो यहाँ पर T0 में 1 सेकंड डिक्रीमेंट हुआ है और T200 में 10 × 10 इक्वल टू होता है 100 मिली सेकंड, तो यहाँ पर 100 मिली सेकंड ही मूव हुआ है, उस वजह से यहाँ पर 7.9 सेकंड है और यहाँ पर टोटल 7 सेकंड का टाइम है। ठीक है, एक बार फिर इसे ऑन करके देख लेते हैं। ये ऑन हुआ फिर ये ऑन हुआ। ठीक है, सो दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को हमने दो डिफरेंट टाइमर से टाइम को डिक्रीज़ करके देखा कि कितना टाइम किस में डिक्रीज़ होता है। Y0 पहले ऑन हो जाता है फिर Y1 ऑन होता है, क्योंकि Y0 में ज़्यादा टाइम डिक्रीज़ हो जाता है 100 मिली सेकंड का टाइमर यूज़ करने की वजह से, और Y1 में थोड़ा टाइम कम डिक्रीज़ होता है 10 मिली सेकंड का टाइमर यूज़ करने की वजह से। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन सा टाइमर यूज़ करना चाहते हैं और ऑपरेशन हमारा किस तरह का है। यदि हमें टाइम को धीरे धीरे डिक्रीज़ करना है तो वहाँ पर हम 10 मिली सेकंड का टाइमर यूज़ करेंगे, और यदि हमें टाइम को ज़्यादा मूव करना है, ज़्यादा डिक्रीज़ करना है, तो वहाँ पर हम 100 मिली सेकंड का टाइमर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।